वैसे तो मैं दिल्ली से नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी है उन्होंने मतलब काफी अच्छा किया है दिल्ली के लिए। मतलब जैसे नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। विधानसभा दिल्ली के चुनाव जो अभी होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, इसको लेकर के हमारी टीम यहां कवरेज कर रही है। तो पूछते हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है, अब की बार आम आदमी पार्टी को बनाएंगे दोबारा से फिर, या मोदी लहर चलेगी, या देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ कितनी सीट निकाल पाएगी। और कहते हैं कि हरियाणा से जननायक जनता पार्टी चुनावी मैदान में यहाँ से है, वो कितनी सीट निकाल पाएगी। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। ठीक हो? हाँ जी। क्या नाम आपका? शोभा। शोभा जी, क्या लगता है आपकी बार कौन बनेगा दिल्ली में मुख्यमंत्री? जी आस लो एक बार, तो आस सब होता भाई दिल्ली वाले, देख लो भाई। चलो कौन बनेगा आपकी बार मुख्यमंत्री? क्या गुड़िया बताओगी? राम राम जी। राम राम। ठीक हो? हाँ जी। अच्छा ये बताओ कौन बनेगा आपकी बार मुख्यमंत्री दिल्ली में? कौन बनेगा इसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ना हम तो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बने। हाँ जी। क्यों, क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने? स्कूल्स की हालत अच्छी कर दी है उन्होंने, और हमारे, मैं मालवीय नगर में रहती हूँ तो लगता है कि सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं उन्होंने, और हमारा अच्छा, वाईफाई कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वाईफाई फ्री कर दी है। हाँ, सीपी में तो है शायद। अच्छा, वाईफाई फ्री, और मालवीय नगर में भी है कुछ जगहों पे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल का उन्होंने बहुत कम कर दिया है, 200 यूनिट्स तक फ्री है सब कुछ। तो ऐसा है कि मतलब कॉमन पीपल के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। आप आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, आपकी वोट कहाँ जाएगी अब की बार? आम आदमी पार्टी। बीजेपी के क्यों और कांग्रेस के क्यों नहीं जा रही, क्या बात है? ऐसा नहीं है, कांग्रेस में भी बहुत एजुकेटेड पीपल हैं, मतलब काफ़ी उन्होंने किया है। शीला दीक्षित जी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है दिल्ली के लिए, लेकिन अगर आम आदमी के बारे में कोई सोचता है तो मुझे लगता है वो अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल। एक गुड़िया बैठे हमारे साथ, राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। बहुत हंसते हो आप। चलो अच्छा ये बताओ अब की बार कौन सी पार्टी सही लगती है दिल्ली के अंदर? आम आदमी पार्टी के कहते हैं कि 70 सीटें टोटली, वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी 70 की 70 लेंगे, तो कितनी लगती है आपको, कितनी ले पाएंगे केजरीवाल अब की बार? देखिए वैसे तो मैं दिल्ली से नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी है उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा किया है दिल्ली के लिए। मतलब जैसे महिलाओं के लिए सीट, मतलब बस वगैरह फ्री कर दी है, तो मतलब ये है कि सेफ्टी है एक तरीके से। मतलब जो बसें भी है ना उसमें मतलब एक मार्शल रहते हैं, तो मतलब वो पूरी सेफ्टी रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कोई डर रहता है, बस में अकेले तो भी डर नहीं रखता है। बिल्कुल। तो मुझे मतलब वो आम आदमी की नज़र से वो मतलब दिल्ली के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी बाहर से आई हूँ तो मुझे यहाँ पे सेफ्टी। हाँ जी। मोदी ने क्या खुट कर दिया, मोदी लहर नहीं चलेगी? नहीं, मोदी जी वो बड़े लेवल पे सोचते हैं, मतलब तो दिल्ली के अंदर भी तो बड़ा लेवल है, देश की राजधानी है दिल्ली। हाँ, ये मैं जानती हूँ। तो क्या मोदी दिल्ली के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे? नहीं नहीं, वो भी अभी नहीं, वो भी अच्छा ही सोचते हैं। हाँ जी शोभा जी, आपकी वोट कहाँ जाएगी आपके बाद? केजरीवाल को। केजरीवाल को। अच्छा क्यों, अलग बीजेपी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियाँ भी है, उन्होंने क्या, उनका वजूद नहीं है वहाँ पर? यहाँ पर नहीं, वजूद है उनका, ऐसा कुछ नहीं है जी। बट मैं केजरीवाल को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जैसे मुझे ऐसा लगता है जो लोअर लेवल के लोग हैं ही सपोर्ट्स देम अलॉट, और जैसे मेरी घर में खुद की एक मेड आती है तो उनके जैसे लाइट वगैरह के बिल्स होते हैं और वो लोग, उनका इतना सैलरी है कि वो सिर्फ उससे रेंट पे कर सके, उसके अलावा उनके पास शायद पैसे ही नहीं होते कि घर का कुछ खाना भी खा सके, तो ये सब चीज़ें फ्री करके इससे उन लोग को बहुत रिलीफ हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर के आम आदमी पार्टी के विजय से सरकार थी, आप कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली के अंदर? और 22 तारीख को निर्भया के जो दोषी थे उनको फांसी होने वाली है, पता आपको, क्या कहना चाहोगे? ऐसा वैसे आ रहा है न्यूज़ में कि आम आदमी पार्टी ने इतना फोर्स नहीं लगाया था तो उनको नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने करी है कोशिश। वैसे भी हमें पता है कि केसेस तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, और रेप के केसेस तो वैसे भी आजकल आज ही कल बहुत हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि केस दर्ज करते हैं लोग, पहले तो कोई करता भी नहीं था। तो अभी जैसे हमारा यंग जनरेशन भी है और लोग भी हैं तो इतना प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट पे ज़्यादा फोर्स लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना नहीं है कि उन्होंने कुछ फोर्स नहीं किया होगा इनके गैंग रेपिस्ट के अगेंस्ट, पर हर चीज़ में टाइम लगता है तो उसने अपना टाइम लिया। अब
जो सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना फैसला सुनाती है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। वैसे भी सरकार तो ऐसी है कि हर चीज़ लेट ही करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की वोट फिर अब की बार केजरीवाल को जाएगी, मतलब आप केजरीवाल को लाइक करते हैं सभी। तो ये थे हमारे साथ कनॉट प्लेस के अंदर, हमारी माँ बहनें बैठी थी, इन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर अब की बार केजरीवाल सरकार ही आएगी। तो आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया फिर ऐसे हम कार्यक्रम हमारे जो सर्वे के हम लेकर के आएंगे दिल्ली से। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।